नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में अब जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि जबलपुर में गुजरात पुलिस भी पहुंच चुकी है। आज सुबह पहुंची गुजरात पुलिस की टीम में 8 से 10 सदस्य होना बताया जा रहा है। आरोपी सपन जैन को भी गुजरात पुलिस साथ में लेकर जबलपुर पहुंची है। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम में आरोपी सपन जैन के साथ जबलपुर पुलिस और गुजरात पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आरोपी सपन जैन के माध्यम से और भी कई खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर पुलिस दबिश भी दे सकती है। वहीं आपको हम बता दें कि गुजरात पुलिस के द्वारा बीती 7 मई को भगवती फार्मा के मालिक सपन जैन को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उसे गुजरात लेकर गई थी, जहां सपन जैन के द्वारा सिटी हॉस्पिटल के संचालक सबरजीत सिंह मोखा और हॉस्पिटल के मैनेजर देवेश चौरसिया के नाम बताए गए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जाँच के बाद दोनों आरोपियों के साथ सपन जैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। जबलपुर पहुंची गुजरात पुलिस स्थानीय पुलिस के माध्यम से इस रैकेट को पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। मामले में जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि गुजरात पुलिस को हर तरह का सहयोग दिया जाएगा, ताकि इस रैकेट से जुड़े हुए लोगों को बेनकाब किया जा सके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधीक्षक के अनुसार जबलपुर पुलिस भी गुजरात जाएगी और जानकारी साझा करेगी। हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है और NSA में वो अभी जेल निरुद्ध हो गए हैं। जहाँ तक गुजरात की पुलिस टीम की बात है, उनका आज या कल में आने का है, संभवतः आज आने का है। तो जैसा वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे पहले भी शेयर करते आए हैं, और जो उनको सहयोग यहाँ लगेगा वो हमारी पुलिस टीम उनको देगी और आगे विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर भी हमारी टीम भी एक बार वहाँ जरूर जाएगी और इस केस से संबंधित जितने भी लिंक्स हैं, जो अगर गुजरात तक है तो हम वहाँ तक जा करके इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। सर ये टीम कब तक जाएगी? जैसा आप आगे जैसे जैसे विवेचना प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे हमें एविडेंस और सूत्र मिलेंगे, वैसे वैसे इसका आगे करेंगे।